हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल कॉन्सेप्ट्स। मैं हूँ रूही एंड जैसे कि आप सब जानते हो मैं एकेडमी पे टॉप प्लस फैकल्टी हूँ, जनरल अवेयरनेस पढ़ाती हूँ एंड इसके अलावा आरवीए ग्रेड बी के लिए फाइनेंस मैनेजमेंट एंड ईएसआई भी मैं पढ़ाती हूँ। सो गाइज, काफ़ी सारे मेल्स एंड मैसेजेस आ रहे थे मुझे सिंपल कॉन्सेप्ट्स पे कि मैम एक ऐसा वीडियो बना दीजिए जिसमें हमें पता चले कि आरबीए असिस्टेंट का प्रिपरेशन कैसे करना है, वो सारे एजुकेटर्स कौन से हैं जिनको हम फॉलो करो करिएगा तो हमें डेफिनेटली जो है सक्सेस मिलेगा अपकमिंग आरबीए असिस्टेंट एग्जामिनेशन में। तो गाइस काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस आए हैं, एसबीआई क्लर्क का आया है, आपका आरबीआई असिस्टेंट का आया है, आगे आपका जो है एसबीआई पीओ का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज अनअकैडमी प्लस पे लॉन्च हो चुके हैं, तो जल्दी से आपको देखना है वो कौन से एजुकेटर्स हैं जिनको हम रिलीजियसली फॉलो करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा 2020 में बैंक में सिलेक्शन कन्फर्म है। तो चलिए गाइस देखते हैं, यहाँ पर मैंने अनअकैडमी खोला है, unacademy.com आप देख सकते हो। सो आपको बस क्लिक करना है प्लस पे तो सीधे से यहाँ पे कैटेगरी मिलेगी। सारे कैटेगरीज में आपको बैंक एग्जाम्स चूज़ करना है, तो अगर आप बैंक एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको गाइड कर रही हूँ स्पेसिफिकली फॉर आरबीआई असिस्टेंट। तो आरबीआई असिस्टेंट में कौन से एजुकेटर्स को हमें फॉलो करना है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट दिखेगी इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स की। एंड गाइस बहुत सारे 56 से ज़्यादा एजुकेटर्स यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, बट बिलीव मी कुछ ऐसे नाम मैं आपको बताऊंगी, बस उनको आप फॉलो करिएगा तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। सबसे पहले कॉन्स की बात करते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए स्ट्रैटेजी को समझना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस शॉर्ट ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ाते हैं आशीष अरोरा सर। ठीक है, आशीष सर इज़ बेस्ट फॉर कॉन्स आई वुड से, बिकॉज इन्होंने काफ़ी सारे बैंक एग्जाम्स में फुल मार्क्स स्कोर किए हैं। ओके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इन्होंने फुल मार्क्स स्कोर किए हैं। इनके कोर्सेस आप इस तरीके से देख सकते हो, प्लस का फिल्टर लगाओगे तो यहाँ पर इनकी अपकमिंग बैच है 13 जनवरी से जो स्टार्ट हो रही है आरबीआई असिस्टेंट एंड एसबीआई पीओ के लिए। ठीक है, तो ये बैच आप फॉलो करोगे गाइस कॉन्स के लिए तो आई वुड डेफिनेटली से कि आपका बस प्री का नहीं बल्कि मेंस का लेवल भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखो कॉन्स के लिए आशीष सर को फॉलो करोगे। देन देखते हैं हम रीजनिंग के लिए किसको फॉलो करेंगे। सो रीजनिंग के लिए आप जानते होंगे अंकुश लांबा इज़ बेस्ट फॉर रीजनिंग। पजल्स एंड सिटिंग की जहाँ पर बात आ जाए तो अंकुश सर इज़ ऑलवेज द बेस्ट। ओके, सो आप अंकुश सर को फॉलो करिएगा पजल्स के लिए, सिटिंग के लिए कहूँगी, पूरे रीजनिंग के लिए आप अंकुश सर को फॉलो कर सकते हो। इनके एडवांस्ड बैचेस चल रही है, क्लर्क मेंस के लिए एडवांस बैच है, आगे आपके एसबीआई पीओ के लिए भी इनके बैचेस आ रहे हैं अपकमिंग बैचेस, तो आप इनको आरबीआई असिस्टेंट के लिए भी फॉलो करोगे। बिकॉज जो लेवल होता है आरबीआई असिस्टेंट का वो आपका एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क के जैसा ही रहता है, बिल्कुल। ओके, बिल्कुल सिंपल इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जामिनेशन रहता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, कट ऑफ बहुत हाई रहता है। तो आपको जो है बस रीजनिंग के लिए अंकुश सर को फॉलो करना है। देन इंग्लिश के लिए मैं सजेस्ट करूँगी निमिषा मैम के वीडियोज़ आप देखो, निमिषा मैम के बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। डेली स्पेशल क्लासेस में ये डेली हिंदू एडिटोरियल्स भी करवाती है। ठीक है, सो उनके डेली हिंदी हिंदू एडिटोरियल्स जो है आप देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्पेशल क्लासेस में इनके हिंदू के एडिटोरियल्स के डेली सेशंस आपको मिलेंगे। प्लस में आप जाओगे तो इनके इंग्लिश के बेसिक टू एडवांस बैचेस आपको मिलेंगे। जो आरबीआई असिस्टेंट की बैच है इनकी ऑलरेडी चल रही है गाइस, बट ऐसा नहीं है कि चल रही है अभी सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपका कुछ मिस होगा, नो इट्स नॉट दैट थिंग, क्योंकि आपको सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको जो है रिकॉर्डेड सेशंस तो मिल ही जाते हैं, पीडीएफ्स भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, एक सब्सक्रिप्शन के अंडर आपको सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो आरबीआई असिस्टेंट के लिए इंग्लिश के लिए आप फॉलो करोगे निमिषा मैम को। अब रहा आपका कंप्यूटर एंड जीए। ठीक है, तो इसके अलावा वाईफाई स्टडी भी अवेलेबल है, देख पा रहे हो आप अनअकैडमी पे वाईफाई स्टडी भी पढ़ाती है। टॉपिक स्टडी जो कि अड्डा की पूरी टीम है, अड्डा 247 की पूरी टीम भी अनअकैडमी पे पढ़ाती है।
एंड अब बात करते हैं मेंस की. ओके, आरबी असिस्टेंट मेंस के लिए आप कौन सी बैच फॉलो करिएगा. ये मेरा प्रोफाइल आप देख सकते हो. सो दिस इज माय प्रोफाइल, हाउ इट लुक्स लाइक. यहाँ पर आप कोर्सेज में जाओगे तो आपको सारे मेरे जो है स्पेशल क्लासेस दिखेंगे. सबसे पहले बात करती हूँ स्पेशल क्लासेस की. हर रोज मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे को मैं आपका करंट अफेयर्स करवाती हूँ. मंडे को मैं आपका बैंकिंग, फिनेंशियल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस से लेके करंट अफेयर्स करवाती हूँ. देन मैं बाकी सारे पूरे करंट अफेयर्स का एनालिसिस करवाती हूँ आपका वेनसडे को. ओके, सो वेनसडे को 6 बजे मेरा करंट अफेयर्स का एनालिसिस वाला सेशन रहता है वीकली बेसिस पे. एंड देन फाइनली फ्राइडे को मैं एक क्विज कंडक्ट करती हूँ जहाँ पे 50 questions, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे वीक के मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ. ठीक है, तो इस तरीके से मेरा पूरा जो है जनरल अवेयरनेस का पूरा प्रिपरेशन आप एंश्योर कर सकते हो मेरे बैचेस के थ्रू. ओके, तो एक वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आरबी असिस्टेंट की बैच को लेकर. ठीक है, तो आरबी असिस्टेंट की बात कर रहे थे हम, प्री के एजुकेटर्स हमने देख लिए. अब मेंस को आपको क्या करना है, ये बैच आपको फॉलो करनी है. ओके, तो ये बैच आपकी स्टार्ट होने जा रही है 3 फरवरी से, जिसमें बिल्कुल मेंस लेवल की प्रैक्टिस मिलेगी. ठीक है, प्री में और मेंस में डिफरेंस इतना है, बस आपको जीए एडिशनल पढ़ना है. ठीक है, तो जीए मैं आपका हैंडल कर रही हूँ. कंप्यूटर भी आपको पढ़ना है, कंप्यूटर के भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो काफ़ी लंबा कोर्स है जिसमें सारे एजुकेटर्स का मिला के ये एक बैच है. ओके, दिव्या गुप्ता मैम जो कि आपका रीजनिंग हैंडल कर रही है, मैं आपका जीए हैंडल कर रही हूँ. इसके अलावा जो है शिवांगी मैम आपका इंग्लिश हैंडल कर रही है एंड राहुल अरोरा सर जो है ये आपका क्वांट्स देख रहे हैं. ठीक है, तो इनको सबको जो है अगर इन ये बैच में आप एनरोल करते हो तो आपका मेंस लेवल का प्रैक्टिस आपको आरबीआई असिस्टेंट के लिए मिलेगा. ओके, तो एक और बात है, इसके अलावा आप ये 13 जनवरी को जो है जनरल अवेयरनेस का एमसीक्यू बैच मेरा स्टार्ट होने जा रहा है, वो भी आप फॉलो करिएगा. 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ. ठीक है, 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज जो कि इंश्योर करेंगे आपको 90% से ज़्यादा मार्क आप सिक्योर कर पाओ आपके जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में. ठीक है, इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारे कोर्सेस मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हैं अनअकैडमी पे. ये स्पेसिफिक कोर्सेस है आरबीआई ग्रेड बी के लिए. ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज का कोर्स, फाइनेंस का, मैनेजमेंट का, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था. एंड इस साल के 2020 के लिए बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है 1st of March 2020 से. जैसे ही बैच लॉन्च होता है मैं आपको सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूंगी किस तरीके से, किस स्ट्रैटेजी से हम आरबीआई ग्रेड बी के लिए अप्रोच करो. बट गाइज, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको अपियर करना है अभी आरबीआई असिस्टेंट को. अगर आप टारगेट कर रहे हो आरबीआई ग्रेड बी तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट यू अपियर फॉर आरबीआई असिस्टेंट. ओके, चाहे आपका टारगेट आरबीआई ग्रेड बी हो या फिर आरबीआई असिस्टेंट, आपको आरबीआई असिस्टेंट देना ही है क्योंकि आपका जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपका सारा प्रिपरेशन होता है. एक बार आप मेंस तक पहुंच जाओ, आप मेंस क्लियर कर जाओ, मतलब आप आरबीआई का प्री तो इजीली क्वालिफाई कर जाओगे. बिकॉज टॉपिक्स सब्जेक्ट्स तो सारे वही रहते हैं, लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा, बट अगर आरबीआई असिस्टेंट का मेंस का प्रिपरेशन आपका है तो प्री को एडिशनल आपको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. बचेगा सिर्फ आपका मेंस वाला पोर्शन जो कि हम करेंगे. ठीक है, 1st of March से कॉम्प्रीहेंसिव बैचेस अनअकैडमी प्लस पे आरबीआई ग्रेड बी की लॉन्च होगी गाइस. सो बेसिकली यहाँ पर मैं कहना चाह रही हूँ कि आने वाले जो भी एग्जामिनेशन है, टॉप 5 एजुकेटर्स के नाम तो मैंने आपको वैसे ही बता दिए हैं, आशीष सर, देन अंकुश सर, देन यू हैव टू फॉलो निमिषा मैम एंड यू हैव टू फॉलो मी, एंड बिसाइड्स दैट आप वाईफाई स्टडी और टॉपिक स्टडी के भी वीडियोस आप देख सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा बैंक एग्जाम्स का. देखिए, अगर आप आने वाले SBI PO एंड RBI ग्रेड बी के लिए कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगी 12 months का सब्सक्रिप्शन. बट अगर आप शॉर्ट टर्म की डिमांड रखते हो, बस आपको RBI असिस्टेंट तक का ही प्रिपरेशन चाहिए, तो आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पे जो है सब्सक्रिप्शन चूज कर सकते हो. ठीक है, मान लो आपने 12 months का चूज़ कर लिया,
तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा. ओके सो वैसे हमने देख लिया 65 प्लस टॉप एजुकेटर्स है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं आपको, पीडीएफ्स भी मिलते हैं, एंड ऐसा नहीं है कि बस आपको जो है ऑनगोइंग कोर्सेस मिलते हैं. नो, यू गेट एक्सेस टू कंप्लीटेड कोर्सेस एंड अपकमिंग ऑनगोइंग एज वेल. ओके तो सारे कोर्सेस का, सारे एजुकेटर्स का एक रूफ के अंदर आपको कवरेज दिया जाता है. ठीक है, तो आपको बस एक सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको रेफरल कोड अप्लाई करना होगा रूही 10, एंड जैसे ही आप अप्लाई करते हो तो देख पा रहे हो यहाँ से 10% आपका अमाउंट डिडक्ट हो चुका है. इसके अलावा अगर आपने अनअकैडमी यूज़ किया है पहले कभी, तो आपको क्रेडिट्स भी होंगे. ठीक है, सो मेरे पास कम क्रेडिट्स हैं, आपके पास ज़्यादा होंगे तो आप वहाँ पे क्रेडिट्स अप्लाई कर सकते हो. मैक्सिमम 10% का क्रेडिट्स से आपको डिस्काउंट मिलेगा. इन शॉर्ट आई कैन से यहाँ से 10% मिल रहा है आपको रेफरल कोड से, एंड क्रेडिट्स आपके पास होंगे, एंड सब्सक्रिप्शन अगर 3 मंथ से ज़्यादा होगा तो आपको क्रेडिट्स के ऊपर भी जो है 10% का डिस्काउंट मिलेगा. तो ओवरऑल आपका अमाउंट डिडक्ट होके आ चुका है 5,202. ओके, वैसे प्राइस थी आपकी 6,000, बट मेरे पास 220 के क्रेडिट्स थे, तो 5,202 का आपको सब्सक्रिप्शन यहाँ पे मिला है. जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे, आपके कार्ड डिटेल्स डालोगे, तो आपको सब्सक्रिप्शन का एक्सेस मिल जाएगा, एंड ये सारे कोर्सेज द्वारा आप आपका जो सिलेक्शन है इंश्योर करोगे. सो गाइज, बस यही इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रही थी कि कौन से इम्पॉर्टेंट कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं अनअकैडमी प्लस पे. इसके अलावा कोई भी एग्जाम की स्ट्रैटेजी से लेके, कोई भी कोर्सेज से लेके, सब्सक्रिप्शन से लेके, जो भी आपके डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो. ओके एंड गाइज, आरबीआई असिस्टेंट के लिए मैं कुछ फ्री कोर्सेज भी ला रही हूँ, फ्री सेशंस भी ला रही हूँ सिंपल कॉन्सेप्ट्स पर. तो सिंपल कॉन्सेप्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड टिल देन थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम.